नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक के बारे में। 8 जुलाई के दिन टीसीएस ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे पेश किए। मार्केट को नतीजे पसंद नहीं आए और आज के दिन हमने देखा लगभग 4.5% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो आज टीसीएस में देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और सारे ही आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब टीसीएस जो है 3100 के लेवल को तोड़ने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो क्या दोस्तों यहाँ से टीसीएस जो है 3000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या आईटी सेक्टर अब यहाँ पे मार्केट में प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई देंगे? जिस तरीके से टीसीएस ने एक कमजोर नंबर पेश किए तो कहीं ना कहीं सारे आईटी पैक्स की तरफ से ये माना जा रहा है कि उनके नंबर्स पे इस बार दबाव देखने को मिलेगा और वो सारे स्टॉक्स टूटते हुए दिखाई देंगे। तो क्या यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी या फिर बाय ऑन डिप्स यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ टीसीएस के स्टॉक की तो आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में जो है स्टॉक बना हुआ है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लगभग 3300-3260 के आसपास जो क्लोजिंग थी वो आपको उस दिन देखने मिली थी फ्राइडे को, और आज जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ नतीजों के दम पे उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे एक अच्छे मार्जिन के कारण ऊपर देखने को मिल सकेगा स्टॉक, लेकिन यहाँ पे निराशा हाथ लगी और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया और बहुत बड़ी गिरावट हुई। आज वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत ज़बरदस्त होते हुए दिखे, लगभग 70 लाख शेयरों के आसपास के जो वॉल्यूम थे, तो एक हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो अब हम बात करने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 17 जून के आसपास जो एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी और कहीं ना कहीं ये स्टॉक 3088-3090 के आसपास बंद हुआ था और उसके बाद एक रिकवरी की कोशिश की थी इस स्टॉक ने। तो अब बिल्कुल उसके करीब है, अगर ये लेवल टूट जाता है 3090 के आसपास का तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिख सकता है। उस कंडीशन में ये स्टॉक एक बार 3000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो इसका सपोर्ट लेवल है 3029-3900, ये एक आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है जहाँ पर ये स्टॉक लगभग 2021 फरवरी के आसपास बेस बनाता हुआ दिखाई दिया था। तो आपको 2900 से 3000 का जो लेवल है वो आपके लिए एक अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा अगर 3100 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो। और वैसे भी इसका स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे करके थोड़ा नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अब कामकाज कर रहा है। आपने देखा था जैसे ही कोरोना क्रैश के बाद ये स्टॉक में रिकवरी आई तो उसका लगभग 1.5 साल तक ये स्टॉक इस एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा था, तब तक इसका स्ट्रक्चर बुलिश था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सारे एवरेजेस नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए कहीं ना कहीं टेक्निकली ये स्टॉक जो है थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये स्टॉक वापस आपको 3400-3450 के लेवल के ऊपर न जाता हुआ दिखाई दे तब तक यहाँ पे आपको जो है स्ट्रेंथ ऊपर आती हुई दिखाई नहीं देगी। आरएसआई की भी बात करें तो वीकनेस डेफिनेटली यहाँ देखने मिल रही है। 36 के लेवल पर आरएसआई जो है कामकाज करता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पे और गिरावट की जो संभावना है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगले स्टॉक की अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा टीसीएस के बाद जो नंबर आता है वो आता है इंफोसिस का। इंफोसिस किस तरीके से आज यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई दिया आप देख सकते हैं, लगभग 2.5% स्टॉक जो था कमजोर था। कहीं ना कहीं हमने देखा था जब पिछले बार नतीजे आया था तो एक बड़ी गैप डाउन जो थी वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद से लगातार ही नीचे की तरफ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक का भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस की तरह ये स्टॉक भी लगातार जब तक 200 दिन के एवरेज के ऊपर था मजबूत था, लेकिन जैसे ही इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1670-1680 को तोड़ा उसके बाद लगातार यहां पे गिरावट बनती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने भी बेस बनाया था 1380-1390 के बीच में और अब यहाँ पे 1473 के आसपास आज के दिन की क्लोजिंग है। 1500 के ऊपर जाके सस्टेन होने में फिलहाल नाकामयाब हुआ है ये स्टॉक और बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन भी इसका लगभग 1500-1520 के आसपास का था, तो उसी लेवल से ये स्टॉक जो है घूमता हुआ दिख रहा है। तो अब जब तक ये अपना 1520 के लेवल को पार नहीं करता तब तक यहाँ पे नई तेजी की उम्मीद नहीं है और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए आखिरी सपोर्ट 1390-1400 की रेंज में आप मान के चल सकते हैं। अगर इस स्टॉक ने इस लेवल को नीचे की तरफ अगर तोड़ा तो फिर इस स्टॉक के लिए जो बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 1250 के लेवल पे आता है। 1250-1300 रुपए का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है और वो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए जिसने यहाँ पे मिस किया स्टॉक और जो इतनी बड़ी रैली को कोरोना के बाद जो रिकवरी आई उसको मिस किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जो आईटी स्टॉक्स है वो अब थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे क्योंकि बहुत बड़ा जो पैसा था वो आईटी स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया था। तो अब वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में आती है तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और वो यहां पे आपको साफ देखने को मिल रहा है।
तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें स्टॉक की, जो कि आज के दिन बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया, वो है HCL टेक। वो HCL टेक दोस्तों, ये जो स्टॉक है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक ने लगभग लगभग 950-60 के रेंज में अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे उस लेवल को इसने ब्रेक किया है 950-960 के, और आज 943 के आसपास यहाँ पे लगभग 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है। तो अगला जो सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक आपको लगभग अब 900 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, यानी कि अगला जो सपोर्ट है अब 900 के आसपास आता हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ से भी 40-45 रुपये, और कल यहाँ पे इसके नतीजे आने वाले हैं, तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 900 रुपये इसका एक आखिरी सपोर्ट है, अगर 900 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे गिरावट और भी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है, और उस कंडीशन में आपको 800 रुपये तक का फिर जो सपोर्ट लेवल है, अगला सपोर्ट जो है वो आपको 800 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। और जब तक ये स्टॉक 1,000 रुपये के ऊपर जाके क्लोज ना हो, तब तक यहाँ पे फिलहाल तेजी का जो मूवमेंट है वो आपको शायद देखने को ना मिले, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, और ये भी लगातार ऊपर होने के बाद जैसे ही सारे IT स्टॉक्स के जो पैटर्न आप देखेंगे बिल्कुल एक ही तरह के दिखाई देंगे, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो, सभी में लगातार 200 दिन का जो EMA है वो टूटा है, और उसके बाद लगातार वो बेरिश ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद IT स्टॉक्स में जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे आप एक चीज़ मान सकते हैं कि जिस तरीके से सेक्टर चर्निंग हो रही है, कभी IT स्टॉक्स आगे थे, फिर अब IT स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा मूव अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में रीबैलेंसिंग जो है वो यहाँ पे आपको होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो HCL टेक में भी 1,000 रुपये के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम पकड़ सकता है, और नीचे की तरफ 900 रुपये एक बड़ा सपोर्ट है। चौथे नंबर पर अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक की, तो चौथा दिग्गज निफ्टी का विप्रो दोस्तों यहाँ पे बात करना जरूरी होगा, क्योंकि विप्रो में भी एक बहुत बड़ा जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दिया, ऊपरी लेवल से लगभग 700-750 तक के लेवल जो बनाए थे, और अभी आज के दिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 411 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2% गिरावट है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो रिसेंटली लो बनता हुआ दिखाई दिया 405 के आसपास का, उसी के आसपास है। अगर ये स्टॉक 400-405 के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, आप देख सकते हैं बहुत सपोर्ट रेंज पे, यहाँ पे लगभग मार्च के आसपास यहाँ बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था लास्ट ईयर 2021 में, और उसके बाद एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी, और उसके बाद जैसे ही इसने अपना 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक बड़ी सेलिंग जो थी वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी, और बिल्कुल पिछले साल के मार्च के आसपास के लेवल पे जाके सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटते 400 के, तो अगला जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं एक बार के लिए 370 से 350 का लेवल, जो कि फिर आपको अक्टूबर 2020 में जो लगता हुआ दिखाई दिया, जहां एक लंबा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया लगभग महीने डेढ़ महीने का, उस लेवल तक आता हुआ देख सकता है। तो IT स्टॉक्स के नतीजे इस बार डिसाइड करेंगे Q1 के, कि आगे चल के किस तरीके के जो स्टॉक जो है अपना लेवल दिखा सकते हैं, और IT स्टॉक्स में क्या यहाँ से रिकवरी होगी या फिर यहाँ बड़ा करेक्शन होगा, क्या यहाँ पे आपको फ्यूचर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये गिरावट अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की, या फिर यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।